बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे होंगे कि मैं किसी ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे बड़ी मशीन्स लगी हुई है, तो ठीक समझें आप, मैं हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे प्रिंटिंग का काम होता है, पेनाफ्लेक्स बनते हैं, और ये जगह है दन्योर में और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है। मेरे लिए भी ये एक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है कि मैं अभी अपनी आँखों से देखूँगी कि किस तरह पेनाफ्लेक्स और ये सब प्रिंट होते हैं, तो आपको भी दिखाती हूँ, ठीक है ना। आइए, तो जनाब ये है वो मशीन जिसमें जो है वो पेनाफ्लेक्स और ये सारे प्रिंट्स होते हैं। कलर चेक करें ज़रा आप, ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। मुझे तो वैसे भी रंग बहुत पसंद है, और ये इतनी बड़ी सी कोई मशीन है और इस पर इस तरह के कोई पेनाफ्लेक्स और ये सब प्रिंट होते हैं, तो अभी हम देखेंगे कि कैसे प्रिंटिंग होता है। वो लाइट भी ऑन हो गई अभी। एक दफ़ा इसका ना असल में हेड बंद रहता है, तो उसके अंदर केमिकल लगा होता है, ठीक है, हेड ख़राब नहीं होता है। एक दफ़ा इसके ना पर्चिंग बोलते हैं हम इसको, तो इसका जो है ना इंक क्लीनिंग फर्स्ट टाइम ज़रूरी होती है, उसके बाद फिर प्रिंटिंग में लगाते हैं, ठीक है। अब मैं फाइल प्रिंट करने जा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से मैं कमांड दूंगा, ठीक है, ठीक है, साइज वगैरह फिट है। तो जनाब ये हैं ज़ाहिर साहब जो कि ये सारा यहाँ पे काम वाम संभालते हैं और प्रिंटिंग का ये पूरी मशीन ऑपरेट करते हैं, और अब ये यहाँ से सेटिंग करने लगे हैं और फिर यहाँ से जो है वो प्रिंट होगा। हम देखेंगे किस तरह होता है, और एक और भी बहुत मज़े की बात है, वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताती हूँ। तो जनाब ये मेरे लिए भी बहुत ही जो है वो इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है कि मैं देख रही हूँ कि प्रिंटिंग कैसे होती है, जो कि मैंने कभी नहीं देखी, तो आपको भी दिखाती हूँ, चेक कराती हूँ, देखिए किस तरह प्रिंटिंग होती है। ये जो है वो काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए, ये एक पेनाफ्लेक्स प्रिंट हो रहा है किसी की एडवर्टाइजमेंट का, और ये मशीन अपना काम कर रही है बहुत प्यारे तरीके से। एंड आई रियली लव दिस कलर्स, रंग मुझे बहुत पसंद है। इस तरह कुछ होता है, स्लो स्लो प्रोसेस हो रहा है, अमेजिंग ना। किस तरह से जो है वो प्रिंटिंग हो रही है, और ना मैं लिटरली जो है वो पेंट और इस चीज़ की स्मेल भी फील कर रही हूँ, बहुत मज़े किए हैं कसम से। प्रिंटिंग वाली जो है वो ऑफिस में और देख रही थी प्रिंट कैसे होते हैं, और एकदम से जो है वो ड्राइवर साहब ने बोला कि हम जल्दी गुंजा के लिए निकल रहे हैं, तो आप जल्दी से आ जाए। तो हुआ ये था कि कैसे बिठाएंगे जगह देख लें, तो मैं यहाँ पे असल में एक वैन ख़राब हो गई है, तो अब उसके पैसेंजर इस वाली वैन में शिफ्ट करें, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग जो है वो यहाँ आ चुके हैं और अब आगे निकल रहे हैं। मैं आपको वैन भी दिखा दूँ, देखिए ख़राब हुई है और इसके पैसेंजर अब इस वाली गाड़ी में शिफ्ट हो रहे हैं। तो जनाब मैं आ गई हूँ वापस अपने घर हंजा,
और गिलगित का सफ़र अच्छा रहा। गिलगित से स्कर्दू गई, सो बस यही चलता रहा। आज मैं गई थी प्रिंटिंग की एक कंपनी है जो कि पेनाफ्लेक्स और ये चीज़ें प्रिंट करते हैं, तो वो मैंने आपको दिखाया किस तरह से प्रिंटिंग होती है, मैंने खुद भी देखा, मेरे लिए बहुत नया था। और मज़े की बात जो मैं आपको बताना भूल गई थी, असल में मैं वहाँ से जल्दी जल्दी मैं निकली क्योंकि जो जिस वैन में मैंने टिकट लिया था तो उसको जल्दी निकलना था क्योंकि रास्ते में दूसरी वैन ख़राब हो गई थी, तो बस इस वजह से जल्दी जल्दी निकलना पड़ा। वो व्लॉग आधे में रह गया, तो लेकिन मैं आपको काम की बात बता देती हूँ जो आपके काम आ सकती है, वो ये कि अगर आप मिस्सा तालपुर का मतलब मेरा नाम लेंगे तो इस कंपनी से आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। 10 भी नहीं, 20 भी नहीं, 30 भी नहीं, 40 भी नहीं, 50% 50% डिस्काउंट आपको प्रिंटिंग पे मिलेगा। तो जाइए प्रिंट कराइए। वैसे भी पेनाफ्लेक्स और इस चीज़ें मतलब एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, तो अगर आपका ऐसा कोई काम फंसा हुआ है, प्रिंटिंग आपको करानी है, तो जो है वो जाइए शाहीन प्रिंटिंग पे और मेरा नाम लीजिए मिस्सा तालपुर और फिर आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है ना। चले आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मैं थक चुकी हूँ, रेस्ट करूँगी, खाना वाना खा के फिर मिलते हैं किसी और नई जगह पे। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।